नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में कि आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और क्या कारण होते हैं बीमारियों के। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर और जो बदलते हुए मौसम में जो फीवर आजकल ज्यादा बढ़ रहे हैं, आखिर उसका क्या कारण है और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। और इन्हीं सब चर्चाओं को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर तरुण सिंघल, जो कि सीनियर फिजिशियन और एमडी मेडिसिन हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं आज जो मौसम अब बदल रहा है, गर्मियां जा रही है, सर्दियों का आगमन हो रहा है, तो इस मौसम में ज्यादातर लोगों में फीवर देखा जा रहा है, आखिर उसके क्या कारण है। हमारे आगरा बेल्ट में खासतौर से बरसात के दौरान और बरसात के बाद कुछ तरह के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलते हैं। उसमें खासतौर से जो मच्छरों के द्वारा जो इन्फेक्शन फैलाए जाते हैं, वो उनकी संख्या, रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें खासतौर से मलेरिया, डेंगू वायरल इन्फेक्शन, कुछ एरिया में जीका वायरस के केसेज भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, ये केसेज भी हैं। कुछ ओकेजनली इस समय कुछ केसेज शुरू हो गए हैं, वो अपने और वायरल इन्फेक्शन भी हैं काफ़ी जी। डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि जीका वायरस जो इस टाइम पे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, आखिर वो क्या होता है, आखिर इसके बारे में जानना चाहेंगे पहले। जीका वायरस अभी आगरा में तो कोई केस रिपोर्टेड नहीं है जी, लेकिन वो जो अभी जयपुर में काफ़ी केसेस इनके रिपोर्टिंग हैं और अप्रोक्स वो उसका फिगर 200 क्रॉस कर गए हैं। ये भी एक मच्छर से होने वाले रोग है, चूँकि होता तो वायरस से ही है, लेकिन जो जिस मच्छर के काटने से जिससे डेंगू फैलता है, उसी मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। और जो इसका भी मच्छर दिन में ही काटता है और इसके लक्षण भी लगभग लगभग डेंगू से मिलते जुलते ही हैं जी, बिल्कुल। और डॉक्टर, अगर हम बात करें इसके साथ में डेंगू की, जो ज़्यादातर हमारे मतलब यहाँ आगरा में लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है ताज नगरी में, कि ज़्यादातर लोग आजकल डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं, उनको ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो डेंगू आखिर उसका कारण क्या है, मेन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। वो अगेन डेंगू जो मच्छर है, एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि दिन में काटता है, क्योंकि जो मलेरिया का मच्छर है एनोफिलीज, वो रात में काटते हैं, है ना। रात में तो पेशेंट जितने भी लोग होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं, वहाँ मच्छर से बचने के उपाय भी किए होते हैं, किसी ने मॉस्किटो क्रीम लगाई होती है, तो इसलिए मलेरिया के इंसिडेंस तो कुछ कम हो जाती है। लेकिन डेंगू का मच्छर कोई दिन में काटता है, हम यूजुअली हाफ शर्ट पहने हुए होते हैं, और तो उसमें डेंगू केस इस सीजन में काफ़ी बढ़ जाते हैं जी। डॉक्टर, अगर बात करें इसके लक्षणों की, तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं कि हम पहचान सकें कि उसको मरीज को डेंगू हुआ है। अगर पेशेंट को बुखार के साथ साथ जुकाम, खांसी, गले में खराश है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है। और अगर बुखार के साथ साथ पेशेंट को तेज सिर में दर्द या बदन का बहुत ज़बरदस्त टूटना, या इसको हिंदी में ये कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, कि जर सब ऐसा लगता है कि मांसपेशियां में बिल्कुल किसी ने जकड़ रखा है, जॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त पेन है, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो डेंगू के लक्षण हैं। जबकि मलेरिया में पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मलेरिया में भी सिर दर्द काफ़ी होता है, लेकिन कंपेरेटिवली डेंगू में माइल्जिया या मांसपेशियों का दर्द और हड्डियों का दर्द वो बहुत ज़्यादा होता है जी। डॉक्टर, अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो आप इसको डायग्नोस किस तरीके से करते हैं। देखिए, जिस समय पेशेंट हमारे पास आता है, तो पहले तो हम क्लिनिकली देखते हैं कि वास्तव में ये इन्फेक्शन पेशेंट्स को जो सीजनल इन्फेक्शन है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को, अक्सर देखा गया कि कभी कभी पेशेंट को जब 10 मरीज सीजनल के आते हैं, तो एक पेशेंट जिसको निमोनिया है या जिसको किसी और कारण से बुखार है, वो भी हम मान के चलते हैं कि सीजनल है, और उसमें ऐसे पेशेंट्स की स्थिति बिगड़ भी जाती है। तो पहले तो हमारा होता है कि ये वास्तव में सीजनल फीवर है, या किसी पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से, या निमोनिया की वजह से, या दिमाग में इन्फेक्शन की वजह से और कोई डिसीज़ तो नहीं है। जब हमने कंफर्म कर लिया कि नहीं, ये सीजनल इन्फेक्शन ही है, देन पेशेंट को लक्षणों के आधार पर, कि जो वायरल है तो पेशेंट को जुकाम खांसी होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा माइल्जिया है तो डेंगू के चांसेज हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आया है तो मलेरिया के चांसेज हैं, अगर पेशेंट को पेट में भी दिक्कत है, पेट फूल लिया है, तो टाइफाइड के चांसेज हैं। इस तरीके से हम पहले लक्षण देख लेते हैं और फिर एक पेशेंट को टेस्टिंग कराते हैं। डेंगू के लिए जो टेस्टिंग होती है, वो पहले फर्स्ट 48 आवर्स में डेंगू का NS1 अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये डेंगू वायरस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन और भी अगर फैले वायरस इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें भी NS1 पॉजिटिव आ सकता है। इसको फिर हम फोर्थ डे या फिफ्थ डे या थर्ड डे फिर हम दोबारा से टेस्ट कराते हैं, उसमें IgM अगर पॉजिटिव आ गया
तो हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट डेंगू का ही है। डॉक्टर, इसके अगर हम इलाज की बात करें तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? देखिए, डेंगू का अलग से कोई स्पेशल इलाज नहीं है। डेंगू का मुख्य रूप से इलाज 90% केस में तो ये डेंगू सेल्फ लिमिटिंग होता है। पेशेंट्स को मामूली सा जुकाम, मामूली बुखार आया, दर्द हुआ और अपने आप ही ये ठीक हो जाता है। मरीज को बस कोई 2-3 पैरास्टामोल खा लें और ठीक हो जाता है। कुछ 10% केस में जो मलेरिया, जो डेंगू है, ये एक खतरनाक रूप धारण करता है जी। तो इसमें हमें ये पहचानना चाहिए कि डेंगू वाले पेशेंट में हमें कब पेशेंट को एडमिट करना है और कब हमें अलर्ट होना है जी। उसके लिए वार्निंग साइंस होते हैं कुछ। अगर पेशेंट के डेंगू के पेशेंट में लगातार उल्टियाँ होती चली आ रही हैं, या पेशेंट का पेट फूल गया है, पेशेंट का पेट में दर्द का लगातार बना हुआ है, या पेशेंट को सिर में दर्द भयंकर रूप से और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस, पेशाब की मात्रा कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये लक्षण है कि पेशेंट का डेंगू बिगड़ रहा है और इमीडिएटली इस समय पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराएं और डॉक्टर को कंसल्ट कराएं। जी डॉक्टर, बात करें, पहले वो देखा जाता था कि अगर डेंगू जो मरीज होता था उसकी कुछ समय बाद इलाज नहीं हो पाता था, या इलाज इस तरह के पहले मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उसमें व्यक्ति की मौत भी हो जाया करती थी। बट अगर हम आज की बात करें तो आज उसके इलाज में कितना चेंजेस आया है? नहीं, चेंजेस पहले जिस समय हमारे MD कर रहे थे उस समय डेंगू फीवर के पेशेंट्स बहुत कम मिलते थे, और जब फर्स्ट टाइम 2010 में डेंगू केस काफ़ी बढ़े तो उस समय हमें डेंगू पहचानने में और डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस देखने में थोड़ा सा दिक्कत आई, तो उस समय मोर्टिलिटी बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी भी, हम गवर्नमेंट भी काफ़ी अलर्ट हुई, हम भी काफ़ी अलर्ट हुए, हमने अपने आप को काफ़ी अपडेट किया और देखा गया डेंगू का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर समय रहते हुए पेशेंट के अंदर पानी की कमी को दूर कर दिया जाए, क्योंकि डेंगू में जितने भी पेशेंट्स बिगड़ते हैं वो पानी की कमी की वजह से बिगड़ते हैं। डेंगू फीवर में जो हमारी खून की धमनियाँ होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, उसमें से पानी, खून लीक करने लगता है और लीक करके वो पेट के अंदर भर जाता है, फेफड़ों में भर जाता है, पेशेंट को सांस, वो पेशेंट को एसिडिटी डेवलप हो जाएगी और उसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और अगर पानी कभी 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 इतनी तक हो जाती है कि 2-3 लीटर हमें वाटर का इन्फ्यूजन देना पड़ता है, और अगर हमने उस समय प्रॉपरली पेशेंट को हाइड्रेट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अब डॉक्टर्स आपस में मिलजुल के, गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें काफ़ी, WHO ने इसमें काफ़ी वर्क किया, उसकी काफ़ी गाइडलाइंस रिलीज करी, अभी एम्स से भी हमारे काफ़ी गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो अब डेंगू की मोर्टिलिटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। दर्शकों, हम आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तरुण सिंघल, जो कि एक फिजिशियन हैं और जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर बुखार ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है डेंगू का, और हमने डेंगू के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। डॉक्टर, अगर हम बात करें कि बोला जाता है कि डेंगू के फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो इसका क्या कारण होता है? केवल डेंगू ही नहीं, कोई वायरल फीवर है, इवन मलेरिया में भी प्लेटलेट काफ़ी कम होती हैं। प्लेटलेट की कमी एक लिमिट तक, अगर नॉर्मली एक आम आदमी में प्लेटलेट की संख्या 3-4 लाख होती है, 1.5 लाख से कम को हम कहते हैं कि प्लेटलेट एक ज़्यादा कम हुए हैं। लेकिन ये प्लेटलेट डेंगू में भी, मलेरिया में भी, इवन वायरल इन्फेक्शन में भी प्लेटलेट कम हो जाती हैं। 20,000 तक अगर किसी पेशेंट को प्लेटलेट हैं, कम हो रही हैं, तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड अगर पेशेंट को कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं है, या पेशेंट को पहले से ही कोई लिवर की बीमारी या और कोई इलनेस नहीं है, या हम कोई सर्जरी नहीं करने जा रहे, तो 20,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 पर हम अलर्ट हो जाते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। इसके बावजूद भी प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक पेशेंट के अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम के फीचर्स ना हो, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट को और कोई कारण है जो कि ब्लीडिंग को प्रोन करते हैं, तब तक हम प्लेटलेट नहीं चढ़ाते। 10,000 से कम संख्या हो जाती है, देन फिर हम उस समय हम प्लेटलेट चढ़ाने की बात करते हैं। इवन बुक्स में लिखा हुआ है कि 5,000 तक में भी आप प्लेटलेट ना चढ़ाएं तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्लेटलेट काउंट को देख के हमें भयभीत नहीं होना, हमें भयभीत होना है अगर पेशेंट के लगातार उल्टियाँ बनी हुई हैं, लगातार पेट में दर्द बना हुआ है, या पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय प्लेटलेट कम होने के। डॉक्टर, अगर हम बात करें, आपने बोला प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात करी जा रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बोला जाता है इसकी प्लेटलेट्स कम होती है तो उनको अलग तरीके से उनका चढ़ाया जाता है खून, या अलग तरीके से उनकी प्लेटलेट्स करी जाती है पूरी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट क्योंकि अपने आप ही बढ़ती हैं वायरल फीवर में, मेजोरिटी ऑफ केसेज में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जरूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि वो संख्या अपने आप बढ़ जाती है, तो इसके बारे में कई भ्रांतियाँ हो गई, कोई पपीते पत्ते रस दे रहा है, कोई बकरी का दूध दे रहा है,
और मार्केट में कभी आयुर्वेद के नाम पर और भी किसी पैथी के नाम पर पेशेंट से मनी एस्टेटिंग पॉलिसी डेवलप हो गई, कभी लोग भयभीत हो जाते हैं तो भयभीत होकर अलग अल्टरनेटिव पैथी के नाम पर कि हमारा जे कैप्सूल खाली रहेगा तो बढ़ जाएंगी, तो इसकी वजह से ये काफ़ी देखा गया है और मरीज ठगी के शिकार हो जाते हैं और वो अपना अहित भी करते हैं। आप किसी कुशल डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको उचित सलाह देगा कि कब हमें ब्लड टेस्ट चढ़ाने हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी बारे में मैं एक बात और जानना चाहूंगी डॉक्टर, कहा जाता है कि मार्केट में इस टाइम पे आपने वैसे बताया पपीते के बारे में, तो पहले तो पपीता का बोला जाता था कि पत्ता खाना चाहिए उससे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, अब उसकी जो दवाइयाँ हैं मेडिसिन वो मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसके बारे में बोला जाता है उसको खाने से आपकी प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ती हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, केवल बस कोई चीज़ कड़वी है और हमें टाइम बाई करना है कि हम, मुझे मालूम है कि प्लेटलेट को 3-4 दिन के अंदर बढ़ना ही है ना, अब हम उस समय चाहें पपीते का पत्ते का रस दें या कुछ भी दें या कुछ ना भी करें, तो इसी वजह से दुनिया के हर कोने में कुछ पैथी डेवलप हो गई है। हमारे यहाँ पे पपीते के पत्ते का है, किसी कंट्री में कुछ और है, किसी कंट्री में कुछ और है, किसी कंट्री में जी बीज देने से बढ़ जाते हैं, तो वो एक अल्टरनेटिव पैथी डेवलप हो गई हैं और ये टाइम बाइंग इतना हो गया कि पेशेंट को हम कहें कि नहीं आप धीरे रखिए, इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मरीज़ को तसल्ली नहीं हो पाती, अरे जब हम कोई दवाई नहीं दे रहे तो ये बढ़ेंगे कैसे, तो मरीज़ की तसल्ली के लिए अब वो मतलब इस नाम से कि जो प्लेटलेट चढ़ाने के नाम पे उन्होंने कई कॉम्बिनेशन कई कैप्सूल मार्केट में आयुर्वेदिक उसमें आ गए हैं जिसमें बकरी का दूध का मिक्सचर, पपीते का दूध का मिक्सचर, पपीते के पत्ते को रस का है और उन कैप्सूल के नाम भी प्लेटलेट राइज, प्लेटी राइज, इस प्रकार से हैं, इवन अखबारों तक में ऐड आने लगे हैं उनके, और मरीज अपने आप ही खाते रहते हैं, एक एक कैप्सूल की कॉस्ट 30-40 रुपये डोज, दो कैप्सूल 3 बार, लेकिन मरीज़ अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाना चाहता है तो वो आदमी खरीदता है और ठगी का शिकार हो जाता है। दर्शकों जैसे डॉक्टर ने बताया कि प्लेटलेट्स बढ़ाने का तरीका जो मार्केट में बताया जाता है वो बिल्कुल ही गलत होता है, इस तरीके से आप इन दवाइयों का सेवन ना करें या आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर्स के साथ हम जानना चाहेंगे अगर हम खाने पीने की बात की जाए तो बोला जाता है कि अगर हम घर पे बकरी का दूध पिए या अगर हम चुकंदर का सेवन करें तो इससे भी हो जाती, बहुत से लोग प्लेटलेट्स नहीं चढ़वाते हैं, घर पर ही अपना ट्रीटमेंट नहीं, इसमें जो है डेंगू का अगर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, हम भी अपने पेशेंट आते हैं कि भाई देखिएगा पेशेंट को पानी, फलों का रस, फल देते रहिएगा, शरीर में पानी कमी ना होने पाए, आप फल का रस बच्चे की चॉइस के अनुसार जो भी उसको अच्छा लगता है वो आप देते रहें जी। और मुख्य रूप से ये है कि अगर हम ऐसी चीज़ देंगे जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, जो इजीली पच जाएगा, तो उससे शरीर में पानी कमी ना होगी, और मेरा खुद अभी भी कहना यह है कि प्लेटलेट की कमी नहीं मारती, पानी की अंदर शरीर में कमी हो जाती है, कैपिलरी लीक की वजह से अंदर शरीर में इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वजह से प्लेटलेट के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग होती है, हमें उससे बचना है ना कि इन सब चीज़ों से। अगर पेशेंट को ऑरली ले सकता है तो पेशेंट को फलों का रस, अपना पानी और अपने नारियल का पानी जो भी बच्चे को अच्छा लगता है वो लगातार सेवन कराते रहें। अगर बच्चा या पेशेंट ऑरली एक्सेप्ट कर रहा है और उसको पेशाब की मात्रा ठीक आ रही है, पेट में दर्द नहीं है, तो आप चिंतित ना हो, डेंगू अगर डायग्नोसिस सही है तो डेंगू अपने आप ही ठीक हो जाएगा जी। डॉक्टर अगर हम बात करें एक आम इंसान की प्लेटलेट्स जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, क्या बच्चों और बड़ों में क्या इनका डिफरेंस कुछ होता है क्या? नहीं, संख्या नॉर्मली एक आम आदमी में प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होती है जी। है ना, और 1.5 लाख से कम की संख्या होती है तो हम कहते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेवलप हो गया, लेकिन उसको 1 लाख से कम, 50 लाख से कम, 20 लाख से कम हमने उसको ग्रेडिंग कर रखी है और अकॉर्डिंगली हमें क्या हमें करना है उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करते हैं जी। दर्शकों आज हम आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तरुण सिंघल जो कि एक सीनियर फिजिशियन है, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर डेंगू की बीमारी जो है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण होते हैं और उनके क्या उपाय हम अपना सकते हैं इनसे बचने के लिए। मगर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और आज हम बात कर रहे हैं
फीवर के बारे में, आखिर डेंगू फीवर इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है बदलते हुए मौसम के साथ। आज हम डॉक्टर से ब्रेक के उस पर बात कर रहे थे कि आखिर डेंगू का बुखार क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके क्या कारण होते हैं और क्या उसका उपाय है उससे बचने के। अब हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, आखिर मलेरिया भी आजकल लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है। डॉक्टर, बात करेंगे मलेरिया के, आखिर मलेरिया के क्या कारण होते हैं। मलेरिया अगेन मच्छर से होने वाली बीमारी है जी, जो फीमेल एनोफिलीज के काटने से होती है। इसका जो मच्छर होता है यूजुअली रात के समय काटता है और स्टार्टिंग के जो लक्षण होते हैं मलेरिया के और डेंगू के लगभग एक से होते हैं, एक्सेप्ट कि डेंगू में मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मलेरिया में थोड़ा कम होता है। लेकिन ये देखा गया है कि इस समय पेशेंट में पैनिक है डेंगू के लिए जी। और डेंगू और मलेरिया के लक्षण एक से होते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटीज स्टार्टिंग है 48 hours, 72 hours में कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकती हैं। हमारे आगे मलेरिया नहीं है, डेंगू पॉजिटिव आ गया। अगर एनहांसमेंट पॉजिटिव है तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 100% डेंगू ही है, या किसी का अगर मलेरिया रिपोर्ट में नहीं आ रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि मलेरिया नहीं है। और हमने अभी कई केसेस हमारे मोर्टिटी भी हुई, जब देखा गया तो स्टार्टिंग में पेशेंट को ट्रीटमेंट हुआ डेंगू की लाइन पर, ऐसा लगा डेंगू का है क्योंकि डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव था, मलेरिया का टेस्ट नेगेटिव आया और हमने ध्यान नहीं दिया उस तरफ। और जब फिर दोबारा टेस्ट कराया तो वो उसमें मलेरिया भी पॉजिटिव था, क्योंकि दोनों ही मच्छर द्वारा होने वाली बीमारी हैं, कभी कभी दोनों में दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो हमें मलेरिया को भी हल्के रूप में नहीं लेना और इसका ट्रीटमेंट उचित समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेंगू चिल्लाते रहे और मलेरिया अगर मिस हो गया, मलेरिया एक ट्रीटेबल कॉज है, इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर वो मिस हो गया तो वो मरीज के लिए ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर, आपने बताया इस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता है, हम बात करें इसके इलाज की तो इसका इलाज क्या अलग नहीं होता मलेरिया है? के लिए बिल्कुल इस समय मलेरिया वैसे तो चार तरीके से होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस बेल्ट में प्लाज्मोडियम बायवैक्स और फाल्सीपेरम दो तरह के मलेरिया हैं। फाल्सीपेरम मलेरिया ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन भाग्य से अभी पिछले 10 सालों में फाल्सीपेरम के केसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, बायवैक्स के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। आज से जब हम पढ़ते थे तो उस समय बायवैक्स मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन रामबाण दवा मानी जाती थी, अब जो देखा गया है कि क्लोरोक्विन उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है और कहीं वायवैक्स के भी में इतने कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो शायद मैंने अपने पिछले 20 सालों में नहीं देखे, जो पिछले 3-4 सालों में वायवैक्स की वजह से गुर्दे का बेकार हो जाना, वायवैक्स की वजह से किडनी का बेकार हो जाना, लिवर का बेकार हो जाना, या वायवैक्स का असर दिमाग के अंदर, वायवैक्स का असर पहले नहीं देखने को मिलता था लेकिन काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर, अगर हम इसकी बात करें इसके बचने के उपाय के बारे में कि आखिर ऐसे किन चीज़ों से बचा जा सकता है सिवाय मच्छर के अलावा और किसी कारणवश भी होता है क्या? एक ही चीज़ है, अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, गंदगी ना इकट्ठा होने दें, अपने आप को मच्छर काटने से बचाने के लिए फुल स्लीप की शर्ट पहने, अपने मॉस्किटो एंटी रेपेलेंट क्रीम आती है क्रीम को लगाएं और रात को मच्छरदानी का यूज़ करें, यही सबसे मुख्य इसका बचाव है। स्वच्छता ही आपके स्वच्छता ही स्वास्थ्य का सबसे अच्छा मतलब लाभदायक है, अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो आप मोदी जी की अगर आप मोदी जी की स्कीम को फॉलो करें और मोदी जी की बात को माने तो इतना कह सकता हूँ कि जो मलेरिया को पूरे इंडिया से भागने में मलेरिया को डेंगू को 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर, अगर हम इसके साथ जानना चाहेंगे, आपने मलेरिया के बताया, डेंगू के बारे में बताया, हम बात करना चाहेंगे टाइफाइड जो आजकल लोगों में देखा जा रहा है, उसके टाइफाइड भी, टाइफाइड गंदे पानी की वजह से फैलता है जी। और ये इस समय पीक सीजन होता है टाइफाइड का जी। स्टार्टिंग के लक्षण वो शुरुआत में कहना मुश्किल हो जाता है कि ये टाइफाइड का है। यूजुअली डेंगू फीवर अपने आप चौथे पाँच दिन ठीक होने लगता है, मलेरिया का ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है तो मलेरिया ठीक हो जाता है। बहुत से केसेस में बस इतना ही अंतर होता है कि टाइफाइड का फीवर पहले दिन दूसरे दिन आता है, वो बहुत हल्का बुखार आता है और नहीं ऐसा बुखार तेज़ तो नहीं था, हल्का हल्का बुखार है और सिर में दर्द है बस ये है। थर्ड डे फोर्थ डे जाके वो अपना टाइफाइड अपना फुल स्विंग पे आता है, काफ़ी तेज़ बुखार। और टाइफाइड बुखार में अक्सर पेशेंट का पेट का फूलना और या तो शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो जाना या शुरुआत में दस्त हो जाना, ये लक्षण उसमें मिलते हैं, इसलिए टाइफाइड को कहते हैं एंट्रिक फीवर या आंतरिक फीवर। डॉक्टर, अगर हम बात करें इसके इलाज की तो इसका इलाज क्या अलग तरीके से किया जाता है? हाँ, टाइफाइड में जो इलाज है उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं जी। और एंटीबायोटिक में आज की तारीख में कई ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जी। लेकिन कुछ केसेस में एमडीआर टाइफाइड मतलब उसमें कई एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और टाइफाइड अगर उसमें एंटीबायोटिक काम ना करें या टाइफाइड का ट्रीटमेंट समय पर ना मिले तो आँतों में आँतें ख़राब हो जाती हैं पेशेंट की, इवन कभी कभी आँतें बस्ट हो जाती हैं
और बहुत ही खतरनाक रूप में टाइफाइड सामने आता है फिर। डॉक्टर, अगर हम बात करें बच्चों की, जो बच्चे जो आजकल, उनको अगर टाइफाइड की अगर बीमारी हो जाती है या उनको उसका रोग लग जाता है, तो क्या उनको कुछ खास तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए? बच्चों में जो डोज है जी, हम बच्चों में मेन जो है वो डोजिंग का है। बच्चे में जो डोज वो अकॉर्डिंग टू वेट चलती है, उम्र के हिसाब से बच्चे का कितना वेट है उसके हिसाब से डोज दी जाती है। अगर हम डोज की मात्रा ज़्यादा देंगे या डोज की मात्रा कम देंगे, तो वो दोनों स्थिति में बच्चे को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर, अगर हम बात करें इस टाइम पे अगर किसी मरीज को टाइफाइड है, तो उस टाइम पे क्या उसका खाने पीने पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए? हाँ, उसका अलग शेड्यूल होता है? बिल्कुल, क्योंकि आपने ठीक कहा, टाइफाइड में क्योंकि आंतों में सूजन आ जाती है, इसलिए शुरुआत की अवस्था टाइफाइड की अवस्था में हम पेशेंट को मतलब सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट पर ज़्यादा रखते हैं, और जैसे जैसे खाना पचता जाता है उसको हम सॉलिड डाइट पर कन्वर्ट कर देते हैं। जो पहले जो हमारे उसमें जो था कि बिल्कुल पेशेंट को कुछ भी नहीं देते थे, खाली निर्जल वाटर या उसको पानी को उबाल के ठंडा करके दिया जाता था, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो मरीज़ को अगर 8-10 दिन तक कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाती है, और ये देखा गया है कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस टाइफाइड के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए टाइफाइड में पेशेंट्स अपनी सहूलियत के अनुसार जितना वो खा सकता है, वो बहुत गरिष्ठ खाना नहीं, लेकिन अगेन पानी है, फलों का रस है, फल है, दलिया है, खिचड़ी है, इवन जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार लिया जा सकता है। एक हाँ, जॉन्डिस भी इस समय काफ़ी फैलती है, और जॉन्डिस में भी उसमें जो स्टार्टिंग में जॉन्डिस में भी फीवर डेवलप होता है, तब मरीज़ अक्सर समझता है कि टाइफाइड होगा या मलेरिया है या डेंगू है। तो शुरुआत में जो वायरल हेपेटाइटिस ए है या वायरल हेपेटाइटिस ई जो होता है, उसमें शुरुआती लक्षण बिल्कुल मलेरिया से या टाइफाइड इनसे डेंगू फीवर से मिलते जुलते हैं, और पेशेंट को लेकिन वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर हम जॉन्डिस मिस कर दें तो वो भी एक खतरनाक रूप धारण कर सकती है। दर्शकों, हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तरुण सिंघल, जो कोई सीनियर फिजिशियन है, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा बदलते हुए मौसम में हम किस तरीके से अपनी अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन वायरल फीवर से, और जो डेंगू चल रहा है इन फीवर से हम कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर, अगर हम बात करें दवाइयों की, जो आजकल सबसे ज़्यादा मतलब अगर डॉक्टर मरीज के पास अगर जाता है तो डॉक्टर के पास अगर जाता है मरीज, उसको जब दवाई दी जाती है तो वो ज़्यादा दी जाती है, खासतौर पर एंटीबायोटिक दवा ज़्यादा दी जाती है, तो वो एंटीबायोटिक दवा क्यों दी जाती है? नहीं नहीं, देखिए, एक तो अगर पहले दिन पेशेंट बुखार का आया है जी, तो वो कहना मुश्किल हो जाता है कि जी बुखार डेंगू का है या मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है जी। और पेशेंट को अगर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट को, तो उस समय थोड़ा सा एंटीबायोटिक का उपयोग हम अपने, अगर हमें पहले दिन भी डाउट होता है कि जे पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, या पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन है जी, या पेशेंट को टाइफाइड हो सकता है, तो हम अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे भी हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हर चीज़ को डायग्नोस करना पहले दिन पॉसिबल नहीं पाता, उनकी जाँचें एक तो बहुत कॉस्टली हो जाती हैं, दूसरा पहले दूसरे तीसरे दिन में वो रिपोर्ट अक्सर नेगेटिव आती हैं। डॉक्टर, अगर हम बात करें, आप ज़्यादातर एलोपैथी में जो देखा जाता है, ज़्यादातर खाली पेट की दवा दी जाती है, जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों किया जाता? ऐसा नहीं है, कोई दवा खाली पेट दी जाती है, कोई दवा खाना खाने के बाद दी जाती है। मलेरिया की दवा खासतौर से जैसे हमारे यहाँ कभी ल्यूमिफेंटेन वगैरह के आर्टीमीथर ल्यूमिफेंटेन है, ये खाना खाने के बाद दी जाती है, एक कप दूध के साथ दी जाती है, क्योंकि फैटी मील इन दवाइयों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खाली पेट दी जाती हैं, क्योंकि खाली पेट वो दवाइयाँ ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अगर खाना खाने के बाद दी जाएंगी तो वो खाने मिक्स हो जाएंगी और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसका गर्म और ठंडे से कोई संबंध नहीं है, जित तो उस दवा की नेचर कैसी है, कितनी पीएच पे वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, उसको फैटी मिल्च एनवायरमेंट पीएच कितना चाहिए, उस पर सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो दवा खाली पेट देनी है वो खाली पेट दी जाएगी, जो दवा खाना खाने के बाद देनी है वो खाली खाना खाने के बाद दी जाएगी। अगर ट्यूबरक्लोसिस की रिफेमसिन की दवा अगर हम खाना खाने के बाद देंगे, तो उसकी एफिकेसी 40-50% तक कम हो जाएगी। अगर लुमिरेक्स या जो टेबलेट आती हैं दिस आर्टीमीथर विद ल्यूमिफेंटिन, अगर इसको हम खाना खाने के बाद देंगे और फैटी मिल के साथ देंगे, इसमें हम ये कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद दूध के साथ लें, सो दैट कि फैट इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो वो दवा ज़्यादा काम करेगी। तो इस भ्रम में ना पड़े कि खाली पेट दवा ज़्यादा गर्म होती है या खाना खाने के बाद दवा ठंडी होती है। दवा का डिपेंड करता है कि वो कहाँ जल्दी एब्जॉर्ब होगी और उसका इफेक्ट कैसे मेजर में आएगा। डॉक्टर, अगर हम
हम बात करें, फीवर आता है, वायरल फीवर हुआ या डेंगू हुआ, तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में देखा जाता है लोगों के अंदर कमजोरी आने लगती है, तो बोला जाता है कि उनको आयरन के इंजेक्शन लगाने चाहिए। आखिर वो आयरन के इंजेक्शन क्या होते हैं? नहीं, देखिए, एक तो ना तो वायरल फीवर में खून कमी होती है और ना ही डेंगू में खून कम होता है। खून कम होता है मलेरिया में जी। और यूजली जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी एनीमिक थे, अक्सर पेशेंट ने कभी अपनी कोई जांच नहीं कराई होती, उनका खुद पहले से ही शरीर में खून कमी चल रही थी, हीमोग्लोबिन 8-9 चल गया था, क्योंकि मरीज़ को कोई लक्षण नहीं थे, उन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया तो उनको मालूम नहीं था। जब उनका मलेरिया बुखार हुआ और मलेरिया बुखार में जब उनको आया, मालूम पड़ा कि आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है जी। तो मलेरिया बुखार की कमजोरी या डेंगू बुखार के बाद जो कमजोरी आती है, प्लस ऑलरेडी कमी चल रही थी, अब वो कमी एडअप हो गई, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा कमजोरी आ गई। तो ऐसा नहीं होता, डेंगू में खून कम नहीं होता, ना ही वायरल फीवर में खून कम होता। हाँ, मलेरिया के अंदर खून की कमी तेजी से देखी जाती है। आयरन के इंजेक्शंस तभी लगाए जाते हैं जब हम डॉक्यूमेंट कर लें कि ये खून की कमी का कारण आयरन की कमी की वजह से है। खून की कमी आयरन कमी की वजह से होती है, खून की कमी विटामिन B12 या फॉलिक एसिड कमी की वजह से होती है, और भी कई कारण हैं खून कमी का। तो केवल एक कारण जो इंडिया में बहुत कॉमन है वो आयरन डिफिशेंसी है, तो अगर उसकी वजह से, तो आयरन का पहले हम गोलियां देते हैं, अगर पेशेंट किसी वजह से गोलियां पचा नहीं पा रहा है या गोलियां काम नहीं कर रही हैं, देन तभी हम आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम बात करें, हमने बात करी डेंगू की, मलेरिया की बात की, टाइफाइड की बात की, अब हम बात करेंगे डॉक्टर स्वाइन फ्लू, जो इस समय मतलब ज़्यादा देखा जाता है, अभी मौसम बदल रहा है तो उसका क्या? हाँ, अभी इस समय तो सीज़न डेंगू का, मलेरिया का, टाइफाइड का, जॉन्डिस का, इनका है। हाँ, अब कुछ दिनों बाद इसके अपने केसेस, स्वाइन फ्लू केसेस शुरू हो चुके हैं, अब शुरू केसेस हो जाएंगे। तो इसमें वही होता है कि स्वाइन फ्लू अगेन एक वायरल इन्फेक्शन है, पेशेंट को शुरुआत में जो लक्षण होते हैं वो जुकाम खांसी करके आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, 90% केसेस में पेशेंट को मालूम पड़ ही नहीं पाता कि मुझे स्वाइन फ्लू है, केवल 10 में से एक केस में और इससे भी कम केसेस में जब स्वाइन फ्लू का इफेक्ट हमारे लंग्स तक आ जाता है, तब वो एक खतरनाक रूप धारण करता है और तभी वो उसमें मॉर्टिटी डेथ ज़्यादा होती है जी। डॉक्टर, अगर हम बात करें, कहा जा रहा है आजकल लोगों का मानना है कि आखिर आजकल आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा इफेक्टिव है और एलोपैथी के उसके कंपैरिजन में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अब मैं, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर हूँ, अगर मैं कुछ किसी के बारे में कहूँगा, मैं अपनी कह सकता हूँ कि मेरी पैथी सर्वश्रेष्ठ है, मैं दूसरी पैथी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो किसी के बारे में बुराई करना बहुत आसान है, अपने आप को सिद्ध करके दिखाएं, सिद्ध करें और लोगों को बजाय अपना अपने काम तक सीमित रखें, ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग दूसरे को छोटा करके बड़ा बनना चाहते हैं, ये गलत है। मैं आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हूँ, आयुर्वेदिक दवाएँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन दूसरे को छोटा ना करें। एलोपैथी का अपना अलग रोल है, कुछ जगह एलोपैथी अच्छा काम करती है, कुछ जगह उनके अनुसार आयुर्वेदिक काम कर सकती हैं, लेकिन किसी को छोटा करके आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आप बड़ा नहीं बन सकते। आपने ठीक कहा डॉक्टर से, आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली कि आखिर ये वायरल फीवर क्यों हो रहा है, डेंगू क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर, हम इसी के साथ चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि स्वच्छ रखें, अपने आसपास गंदगी ना इकट्ठा होने दें, अपने आसपास अगर मच्छर फैल रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे वो गंदगी को साफ करके पानी को इकट्ठा ना होने दें, बस यही है। और अगर बुखार आता है आपको तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर पर कंसल्ट करें, उन पर विश्वास करें, जांच भी कराएं, क्योंकि जांच कराए बिना ये कहना कि ये मलेरिया है या डेंगू है या वायरल है, ये 100% कंफर्म नहीं हो सकता। इलाज वही लें जो डॉक्टर आपको बताएं, डॉक्टर के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं। प्रेशर में भी कभी कभी दवाइयाँ ज़्यादा लिख जाती हैं, किसका ये नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स कोई भी 100% इफेक्ट सही नहीं होती, हमेशा चाहे वो डेंगू का टेस्टिंग हो, चाहे मलेरिया की टेस्टिंग हो, उनकी अपनी एफिकेसी 90% तक है, उसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी 10% केसेस में डेंगू होने के बावजूद भी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है, डेंगू ना होने के बावजूद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। इसको एक्सेप्ट करें, बार बार प्लेटलेट काउंट चेक करा के डॉक्टर्स को भयभीत ना करें, अननेसेसरीली माई पैनिक अपने आप ना फैलाएँ और हमारा भी ध्यान ना बटाएँ। अक्सर हमारा ध्यान बस वो पेशेंट जो वास्तव में सीरियस हैं वो सफ़र करते हैं, क्योंकि वो प्लेटलेट बढ़ रही हैं या घट रही हैं, उसको उस प्रेशर में वो मरीज़ अपनी भी स्थिति ख़राब कर लेते हैं,
सामने वाला जो मरीज जो पीड़ित है वो भी भयभीत हो जाता है, और जो मरीज हैं जो वास्तव में सिक हैं उनको अटेंशन जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उन पर उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता। तो थोड़ा धीरे रखें, धीरे से इलाज करें, मरीज सभी ठीक होंगे। जी दर्शकों, बिल्कुल डॉक्टर ने सही कहा, अपना स्वयं इलाज ना करके आप पहले डॉक्टर से ठीक से पहले परामर्श करें, उसके बाद इलाज करें। दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।